फ्रेंड्स, क्या आप भी जानना चाहते हो मेरे सिल्की शाइनी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग ग्लोसी बालों का राज? ऑफ कोर्स हाँ, इसलिए तो वीडियो पर क्लिक किए हो, है ना। तो मैं चुमके शर्मा सीएस के स्टाइल पे आज बताऊंगी कि कैसे एक डीआईवाई पैक से अपने बालों की टेक्सचर पहले से बेटर कर सकते हैं। सो गाइस, एंड तक मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट क्लिप मिस ना हो। इस मिराकल हेयर मास्क के लिए हमें ज्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है नहीं, बस दो ही इंग्रेडिएंट चाहिए हमें, जैसे कि एलोवेरा जेल, जो कि हम सबके पास में होता है एलोवेरा जेल, और अगर आपके पास प्लांट वाला एलोवेरा जेल है तो आप उसी को यूज करना। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा कैस्टर ऑयल। गाइस, ये कैस्टर ऑयल हमारे बालों पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है कैस्टर ऑयल। पहले मैं इसे यूज नहीं करती थी तो मुझे इसके बारे में उतना पता नहीं था, बट मैं जब से इसे यूज करने लगी ना, मतलब पहले दिन से ही मैं फिदा हो गई। अगर आपने अभी तक कैस्टर ऑयल यूज नहीं किए हो तो एक बार जरूर यूज कीजिएगा। लेकिन आप सिर्फ कैस्टर ऑयल यूज मत कीजिए, वरना आपके बालों में बहुत ही स्टिकी फील होगा और वॉश करने में बहुत ही तकलीफ होगा। इसका एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने सिर्फ कैस्टर ऑयल यूज नहीं किया है, हमेशा इसके साथ कुछ ना कुछ ऐड किया है, चाहे कोकोनट ऑयल हो चाहे एलोवेरा जेल हो। गाइस, इस मास्क को यूज करने से पहले आप मेरे हेयर टेक्सचर थोड़ा सा देख लीजिए। वैसे तो उतना बुरा है नहीं, मेरे बालों का हाल उतना बुरा नहीं है, मतलब बुरा है ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक डीआईवाई मास्क यूज किया है, उससे पहले मैंने ये वाला डीआईवाई मास्क यूज किया था, तो इसलिए काफी अच्छा है अभी मेरे बालों का हाल, और मुझे काफी पसंद आया ये, काफी अच्छा लगा है पहले दिन से ही। कई बार यूज करने के बाद आज मैं फिर से ये यूज कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा ये पैक, बहुत ही मतलब वर्थ होगा ये पैक। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे हिट करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले, और हाँ, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 2 चम्मच एलोवेरा जेल। मैं इस तरह से ले रही हूँ क्योंकि मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ, तो मेरा एक आइडिया हो चुका है 2 चम्मच कितना हो।
तो ये देखिए गाइस, कितना सॉफ्ट एंड सिल्की लग रहा है और बहुत ही यूजफुल है ये पैक, 100% यूजफुल है। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए इसे। अभी आप लोगों में से कुछ लोग बोलोगे कि आपके बाल तो वैसे ही सिल्की शाइनी है। जी हाँ, वो है, लेकिन ऐसे ही नहीं, इसके लिए मैं वर्क करती हूँ, मैं अपने बालों की केयर करती हूँ, उसके बाद जाकर मतलब इस तरह की रिजल्ट मिलता है। अपनी DIY में करते रहती हूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ हर एक पैक, हर एक DIY, मेरे हेयर केयर रूटीन। और मानो रोज किसी ना किसी वीडियो पे मुझे इस तरह की एक कमेंट तो रिसीव हो ही जाता है, अपने बालों की सीक्रेट बताओ। तो गाइस, सीक्रेट बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी है आपके आंखों के सामने है। मैं हर एक होम रेमेडीज आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे बताए हुए तरीके से। तो देखिएगा, आपके बाल भी इसी तरह सिल्की शाइनी होगा। एक या दो बार में नहीं भी हो सकता है, बट आप ट्राई करते जाओगे रेगुलर बेसिस पर, तो धीरे धीरे आपके बाल भी बहुत ही सिल्की शाइनी और ग्लोसी दिखेगा। तब आपको बार बार मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा कि मैम अपना हेयर सीक्रेट बताओ। बस आप फॉलो करते जाओ मेरे हेयर केयर रूटीन्स, मेरे हेयर केयर होम रेमेडीज, ठीक है। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ ये पैक आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और फिर से कह रही हूँ, ट्राई जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।